हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे यूपीएससी का टेस्ट। तो जैसा कि हमारे चैनल यूपीपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए है, तो यूपीपीसी का भाई टेस्ट जो चल रहा है, लेकिन यूपीएससी पे भी तो ध्यान देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसी थोड़ी हम किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं यूपीएससी का। तो ये है पॉलिटी का टेस्ट, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसमें क्वेश्चन देखिए, हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। आई एम सॉरी। तो जैसे कि हमारे चैनल पे जो है घटना चक्र करवाया गया है, पूरा कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का, और पीवाईक्यू भी कराया गया है पीसीएस का। बाकी यूपीएससी के लिए विजन वाइज का मैगजीन चल रहा है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कर डाले हैं, वो भी है। और साथ ही साथ अब हम करेंगे नया 2025 का टेस्ट। तो ठीक है, ज्वाइन रहिए हमारे चैनल के साथ और करिए टेस्ट। ठीक है, एक मिनट, लेट मी। देखूं एक मिनट कि आपका क्वेश्चन प्रॉपर, जी हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों, एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं कहाँ आ गई। तो ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वह किसी व्यक्ति को अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। वह यह व्यक्ति की रचनात्मक संवेदनाओं और क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति देती है। यह जो है किसी भी प्रकार की बाधा या प्रतिबंध का पूर्ण अभाव होता है। तो यह व्यक्ति की तर्क और निर्णय शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो पहले का, तो ये पहले में जो सही है सी गलत है, गलत ही पूछा है। तो ये किसी व्यक्ति को अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है, स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, और वह व्यक्ति की रचनात्मक संवेदनाओं और क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति देती है, ये भी सही है। लेकिन वह व्यक्ति की तर्क और निर्णय की शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देती है, ये भी सही है। लेकिन वह किसी भी प्रकार की बाधा या प्रतिबंध का पूर्ण अभाव होता है, अभाव तो नहीं होता, क्यों नहीं होता है इसमें भी। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभ्यता मूलक निरंतरता राष्ट्रीय पहचान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी जनसंख्या का क्षेत्रीय संबंध राष्ट्रीय भावना में योगदान नहीं देता है। स्वतंत्र राजनीतिक के अस्तित्व की परिकल्पना राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर केवल दो सही हो जाएगा। केवल दो सही है। कौन कौन से सही? पहला कथन तो सही है कि सभ्यता मूलक निरंतरता राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है वो जो है सही नहीं है। वैसे भी निगेटिव वर्ड अक्सर जो होते हैं यूपीएससी में गलत ही होते हैं। तो किसी जनसंख्या का क्षेत्रीय संबंध राष्ट्रीय भावना में योगदान नहीं देता, ऐसा नहीं, क्यों नहीं, बहुत सारी योगदान देता है। तो ये गलत हो गया। तो इसलिए तीसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की परिकल्पना राष्ट्रीय पहचान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जी हाँ बिल्कुल है। तीसरा है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, स्वतंत्रता समानता और न्याय सिद्धांत लोकतंत्र की त्रिमूर्ति का हिस्सा है। और कारण है, कथन दूसरा है, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित करेगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत बहाल को खत्म कर देगी। पर इनमें से कौन सा कथन सही है? आप कथन पहला भी देख सकते हो, ये रहा, और वो हो जाएगा जो है दूसरा कथन। देखिए, इसमें पहला कथन जो है गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित करेगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। ये जो है बात तो सही है, लेकिन स्वतंत्रता समानता और न्याय सिद्धांत त्रिमूर्ति का हिस्सा है, जी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है जीवन जीने की एक तरीका जो स्वतंत्र समानता बंधुत्व को मान्यता देती है। स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व के सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग अलग तत्वों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का संघ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, संघ बनाते हैं, और एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों के विफल करना होगा। इसलिए ये स्वतंत्र समानता और न्याय सिद्धांत लोकतंत्र की त्रिमूर्ति का हिस्सा है, वो ठीक है। ठीक है, ठीक है, त्रिमूर्ति का संघ तो बनाते हैं, अनेक लोगों पर कुछ वर्चस्व को स्थापित करेगी, स्वतंत्र बिना समानता व्यक्तित्व पहल को खत्म कर देगी। ठीक
समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित करेगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता जो, जी हाँ ये सही है, ठीक है तो आप समझ गए। डी नेक्स्ट है, चुनाव की बहुलता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है, जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और यह है प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा है? तो बिल्कुल, अगर जीत ही गए तो बहुमत साबित करेगा वो। इस पद्धति का प्रयोग राष्ट्रपति पद के चुनाव में किया जाता है, जी नहीं, राष्ट्रपति के पद में इज्जत की चीज वो बहुत इसका नहीं यूज किया जाता है, एकल पद्धति द्वारा चुनाव होता है। इस पद्धति को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, तो ये भी गलत है क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया, ना कि दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन केवल एक सही हुआ, ए। नेक्स्ट है, पांचवा, नौकरशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक ऐसा अंग है जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर कानून बनाता है। यह एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाता है। यह नीति निर्माता और कार्यान्वयन मंत्रियों की सहायता के लिए जिम्मेदार कार्यकारी अंग है। ऊपर इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो कौन सा इसमें सही कथन है? देखिए, इसमें सी सही होगा क्योंकि यह नीति निर्माता और कार्यान्वयन मंत्रियों की सहायता के लिए जिम्मेदार कार्यकारी अंग है। बिल्कुल ये सही कथन है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध कुछ करने की स्वतंत्रता के बजाय क्या करने से मुक्त के विचार की व्याख्या है। इसका सरोकार व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को बेहतर बनाना है। इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें देखिए, पहला केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा। और सकारात्मक जो, इसका संबंध कुछ करने की बजाय क्या करने में मुक्त में, तो ये गलत है क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है इस तरह का कार्य करने की क्षमता जिसमें व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण हो और वह अपनी क्षमता का एहसास हो सके, और उसका अर्थ है अपनी इच्छा के कार्य करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता। नेक्स्ट है, सातवां, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका तात्पर्य प्रतिबंधों को अभाव था, अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है। यह उस समाज को संदर्भित करती है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वांछनीय अधिकारों का लाभ लेने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। और अगला, तीसरा है, यह गरीब, कमजोर और वंचित लोगों के विकास को सुनिश्चित करती है। तो सत्तवा का जो है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसका तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव तथा अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है, एक मिनट, इसमें गलत पूछा है, तो पहला सही है और पहला सही है और ये दोनों गलत हैं। यह जो है, इसमें बोला है ये समाज को संदर्भित करती है कि उसमें समाज समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वांछनीय अधिकारों का लाभ लेने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। तो देखिए, ये है स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा उस समाज संदर्भित करती है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वांछनीय अधिकारों का लाभ लेने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। इसका मानना है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग को दूसरे की प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और ठीक है, तो ये तो सही, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट है, आठवां, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कार्य दल बदल के रूप में माने जाते हैं। यदि कोई सदस्य दल के नेता द्वारा उपस्थित रहने के लिए कहे जाने पर भी सदन में अनुपस्थित रहता है, यदि कोई सदस्य दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र देता है, कौन सा कोड सही है? पहला, एक दो, या एक दो तीन, या तीसरा? ये बताइए, दल बदल कौन से आर्टिकल कौन से भाग में है, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, दल बद इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी सही होगा, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो मैंने पूछा बताइएगा। नवा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? वह यह राज्य धर्म के पारस्परिक बहिष्कार की परिकल्पना है, जी नहीं, यह राज्य को धार्मिक मामले में उचित हस्तक्षेप से रोकता है। यह धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विधायिका में सीटों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। तो इसमें सी सही होगा कि यह धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। कौन से आर्टिकल में है ये बताइएगा मुझे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दसवां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायिका में शामिल होती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास कार्यकाल की सुरक्षा होती है। संविधान में प्रावधान है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते विधायिका की मंजूरी के अधीन नहीं है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध उपरी में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या कोई भी नहीं?
तो इसमें दो दो कथन सही है। पहला गलत है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायिका में शामिल है। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा तीसरा तो सही है। तो ये दो ऑप्शन सही है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हानि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह नागरिकों का एक अनिवार्य सिद्धांत है। यह केवल स्वयं को प्रभावित करने और व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, यह राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, या व्यक्तियों के हानिकारक कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का सुझाव नहीं देता है। इसमें पूछा है कौन सा अच्छा वर्णन है हानि के सिद्धांत का, तो ये जो है सी सही होगा, यह राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है 12वां, भारतीय राजनीति के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है? विधायिका द्वारा अनियमित अनियमित कानून की संगतता पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले सभी विधायिका अधिनियमों का पुनर्विलोकन करने की न्यायपालिका की शक्ति, और किसी भी कानून के संवैधानिकता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति। कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए, पहला या एक दो या तीन, एक दो तीन या केवल तीसरा? इसमें केवल डी ऑप्शन सही है, बाकी पहला दूसरा तीसरा क्यों गलत है ये देखना है। तो देखिए, इसमें विधायिका द्वारा अधिनियम कानून की संगत पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति है। तो देखिए, ये जो है ये नहीं है न्यायपालिका की शक्ति, और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले सभी विधायी अधिनियमों को पुनर्विलोकन के लिए न्यायपालिका की शक्ति, तो ये भी गलत है। देखिए, उच्चतम न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है किसी भी कानून की संवैधानिकता की जाँच करने के, कानून संवैधानिकता की जाँच मतलब उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो कि कानून संविधान के उपबंधों के साथ असंगत है, तो ऐसे कानून को संवैधानिक और लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कभी स्कूल नहीं गई लेकिन महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, पंडिता की उपाधि अर्जित की, और उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन की स्थापना की, जहां विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल साक्षर बनने के लिए बल्कि स्वतंत्र होने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। उपरोक्त परिच्छेद में से किस व्यक्तित्व की उचित वर्णन किया गया है? रामाबाई डोंगरे की, ताराबाई शिंदे की, चंद्रमुखी बसु की, कादम्बिनी की? बताइए किसके बारे में उपरोक्त वर्णन किया। देखिए, रामाबाई डोंगरे के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां, निम्नलिखित समितियों आयोग पर विचार कीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी के थुंगन समिति, पुंछी आयोग, पंचायती राज से संबंधित कौन है बताइए। देखिए, पुंछी आयोग जो है, पुंछी आयोग तो नहीं है, पुंछी आयोग नहीं, ये तो है मतलब बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी के थुंगन, सभी के सभी जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। अब मुझे डेट बताइएगा, कौन सा समिति कब आए थे? मैंने घटनाचक्र बहुत अच्छे से पढ़ाया था। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार या देखिए केवल वगैरह से सावधान हो जाए करिए, केवल सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय समान कानूनी अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें जो है पहला कथन देख लेते हैं, इसमें केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। पूछ रहे कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? देखिए, उच्च न्यायालय समान कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी नहीं कर सकते हैं, ये कथन गलत है। 226 में ये मतलब प्रावधान है कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं, और पहला सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ का उचित वर्णन करता है? यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संलयन है, और क्या है, और दूसरा है ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एकीकरण है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है हस्तांतरण है। इसमें से कौन सा सही है? 16वें का, 16वें का जो सी है बिल्कुल पता भी होगा आपको, ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। भारत के संविधान के संदर्भ में मुख्य कथन योग्य पर विचार कीजिए, संघ सूची में पोस्ट और टेलीग्राफ है, राज सूची में कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण, समवर्ती सूची में शराब है, कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें बताना है। इसमें केवल एक सुमेलित है, कौन सा? पहला, संघ सूची में पोस्ट टेलीग्राफ है, राज सूची में कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण है, तो कृषि तो है लेकिन अन्य संपत्तियों का जो है हस्तांतरण समवर्ती सूची में है, तो यह दूसरा गलत हो जाए। समवर्ती सूची में शराब, तो शराब नहीं है, राज्य सूची में है शराब, तो ठीक है, गलत हो गया दो तीन। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्तियां पूर्णतः गैर पक्षपात पूर्ण आधार पर की जानी चाहिए, और राज्यपाल राज्य के बाहर
का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। राजमन्नार समिति 1969 में, यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, सरकारी आयोग 1983 में, कोठारी आयोग 1966 में। तो यह हो जाएगा सरकारी आयोग ने कहा था 1983 में। अगला 19वां, न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परमाधीश ऐसे पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपना विधिक दायित्व तो नहीं निभा रहा है। अधिकार परीक्षा में न्यायालय निचले न्यायालय को किसी मामले को उच्चतर न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देती है। उत्प्रेक्षण तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है जिसके लिए वह अर्हता नहीं रखता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही, केवल 1, 2, 2, 1 या 1, 2, 3? 19वां का हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। क्योंकि अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा होता है मतलब यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस पद को धारण करने हेतु तो पात्र नहीं है, तो ये तब पूछेगा क्यों भाई इस पद पे क्यों बैठ गए, तो ये दूसरा गलत हो गया। उत्प्रेक्षण जो होता है, यह रिट जो होता है, या अदालत, निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को प्राधिकारी या अदालत में हस्तांतरित करने का आदेश देती है, तो ये भी गलत है, तो उल्टा दे दिया है ये, तो ये हो गया कि दोनों गलत। 20वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के परिणाम स्वरूप किए गए। संविधान में संशोधन न्यायपालिका और मौजूदा सरकार को दी गई संविधान की विभिन्न व्याख्याओं का परिणाम नहीं हो सकता। संविधान में सभी संशोधन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में आरंभ किए जा सकते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें केवल एक सही है, दूसरा तीसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि कई संशोधन न्यायपालिका और तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई संविधान की विभिन्न व्याख्याओं का परिणाम है। जब इनमें टकराव हुआ तो संसद एक विशेष व्याख्या को प्रमाणित के रूप में रेखांकित करते हुए एक संशोधन सम्मिलित करना पड़ा। 1970-75 की अवधि में संसद ने न्यायपालिका द्वारा प्रतिकूल व्याख्याओं को दूर करने के लिए बारंबार संशोधन किया, ठीक है। और संविधान में कभी सभी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों आरंभ किए जा सकते हैं, तो संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में आरंभ किए जा सकते हैं, तो ये गलत है। और ये हो गया 21वां, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं बल्कि यह है कुछ व्यापक और इसके क्षेत्रांतर्गत, जहां विश्वास और रीति रिवाजों की व्यापक सहिष्णुता का निर्वहन किया गया था, प्रत्येक विविधता को स्वीकार एवं यहाँ तक कि प्रोत्साहित किया गया था। उन्होंने अनेकता में एकता का वाक्यांश भी दिया। उपर्युक्त कथा वाक्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, किसके व्यक्तित्व का? तो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल या सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? शहरी और स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति। ये तो आपको आता ही होगा, ये है पंचायत या स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय के। 23 है, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य में। तो ये किया गया प्रस्तावना में। और अगला है 24, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतदाताओं को न केवल पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच भी विकल्प प्रदान करती। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र का हो सकता है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, एक कोई भी नहीं? इसमें केवल एक सही है। और कौन सा सही है, वो भी सही है आपका तीसरा, ठीक है। और पहला गलत है, पहला गलत क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है प्रणाली अनुपातिक मतदान का न केवल पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच भी विकल्प प्रदान करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतदाताओं को न केवल पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच भी विकल्प प्रदान करता है, ये तो सही है जी, कहाँ गलत है? और दूसरा है अनुपातिक फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एक मिनट, ये जो है दूसरा, ये तो गलत है, एक मिनट, प्रतिनिधित्व प्रणाली मतदाता केवल, ये देखिए ये उल्टा सीधा दे दिया, ये वाला इसमें दे दिया, ये वाला इसमें सेंटेंस उल्टा उलट फेर कर दिया, केवल तीसरा इसलिए सही है।
संविधान को जीवन दस्तावेज कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस जीवन दस्तावेज की अवधारणा का वर्णन नहीं करता है? समाज में परिवर्तन के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या में लचीलापन, संविधान की गैर परिवर्तनशील परिवर्तनकारी प्रकृति और संशोधन संवैधानिक विकास का एक हिस्सा है। तो इसमें 25 का सी हो जाएगा, जो संवैधानिक गैर परिवर्तनकारी प्रकृति का होता है। और सामाजिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुख्य रूप से सभी नागरिकों के बीच धन का समान वितरण सुनिश्चित कर केंद्रित है। तो सामाजिक न्याय धन के पर होगा तो धन पे नहीं होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा भारत के संविधान परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। 20 फरवरी के प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। और राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने सदस्यों को चुनने के लिए निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची प्रत्येक राज्य के चुने जाने के वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या तय करती है। इसके 1/3 सदस्य 1/3 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए इसमें सब गलत है, ये 2रे वर्ष होते हैं ना कि 3रे वर्ष, ठीक है। और संविधान की तीसरी अनुसूची प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तय करती है, जी नहीं। और ये तीनों मतलब गलत है। चलिए जो चीज समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बता देंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में कुल 545 संसदीय क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कौन सा कथन सही है? देखिए मंत्रिपरिषद संसद के ऊपर कहाँ से होगी, लोकसभा के ऊपर होगी, क्योंकि वहां से चुने हुए लोग आए हैं, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के समय राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है, तो ये जो है दूसरा जो है देखिए लोकसभा अधिकतम 5 साल के चुने, जी हाँ दूसरा सही है, कभी भी दे सकता है। भारत कुल 545 जो है, तो 545 नहीं बल्कि 543 संसदीय क्षेत्र है। एंग्लो इंडिया वाला तो हट गया ना, केवल दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी। राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में कथनों पर विचार, कौन सा गलत है ये बताना है। यह प्रश्न में पूछकर और प्रस्ताव तथा संकल्प पेश करके कार्यपालिका में नियंत्रण रखता है। यह केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सरकार को नया कर लागू करने के लिए संसद दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो इसमें सी सही हो गलत होगा, क्योंकि सरकार को नए कानून लागू करने के लिए संसद दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये गलत है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगर आया है धन विधेयक के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। धन विधेयक पेश करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। राज्यसभा के पास इस बिल पर कार्रवाई के लिए 30 दिन का समय, अन्यथा बिल पारित हो जाता है। देखिए 30 दिन का नहीं होता है, वो कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है, दूसरा तो गलत हो जाएगा। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। तो ऑप्शन क्या पूछे, कौन सा गलत है, तो गलत हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। यह संसद सदस्यों को बोलने की अपूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है। विशेषाधिकार हनन के मामले में निर्णय लेने की अंतिम शक्तियां संबंधित सदन के नेता के पास होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो या ना तो एक ना तो दो, कौन सा कथन इसमें सही है पूछ रहा है। इसमें पहला सही है, विशेषाधिकार हनन के मामले में निर्णय लेने की अंतिम शक्तियां संबंधित सदन के नेता के पास होती है, गलत है। विधायिका की पीठासीन अधिकारी के पास होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के कामकाज को विनियमित करने के मामले में अंतिम प्राधिकारी है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के नेता है, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। तो अब एब्सोल्युटली लोकसभा के पीठासीन अधिकारी है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में भारत में दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? 44वां संशोधन था, 42वां था, 52वां था, 61वां था, यह था 52वां। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का संविधान संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री में निहित होती है। और नेक्स्ट है इसमें राज्यसभा जो है, देखिए राष्ट्रपति में होती है ना कि प्रधानमंत्री में। राज्यसभा के सभापति पद के लिए चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संख्या मत होते हैं, ये सही है। राज्यसभा अकेले ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, तो तीसरा भी सही है। उपराष्ट्रपति के बारे में, अगर राष्ट्रपति होता तो भाई लोकसभा की जरूरत होती, इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन केवल और केवल दूसरा तीसरा सही, मतलब दो।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही नहीं चल रही है। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें जो है दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। 35 है, 36, ठीक है, 36 है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं। देखिए, जहां तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में एक परंपरा विकसित हुई जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह परंपरा 2 बार तोड़ी गई थी। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अधिक्रमित करके जस्टिस ए राय ने सीजीआई नियुक्त कर दिया था। तो इस गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मामले को जो सार्वजनिक महत्व को का हो या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो, सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य है। कौन सा कथन सही है? कथन एक, कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। कथन एक, कथन दो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कथन एक गलत है, कथन दो सही है। तो इसमें देखिए, कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले की सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, सामाजिक परिवर्तनों या परिणामों की परवाह किए बिना न्यायाधीशों के द्वारा संविधान के शाब्दिक व्याख्या का कड़ाई से पालन करने को संदर्भित करता है। यह समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीली और व्यापक संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से सामाजिक न्याय या प्रदान करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए नीतियों में आत्मसंयम और न्यूनतम हस्तक्षेप के लिए न्यायपालिका की प्राथमिकता को दर्शाता है। या डी है, यह एक कानूनी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि न्यायाधीश अपने निर्णयों को मौजूदा कानून के बजाय पूरी तरह से व्यक्तिगत विवेक पर आधारित करना चाहिए। इसमें जो सही है ना, वो सही है बी। ये समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीली और व्यापक संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका दर्शाता है। 39 है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखित है। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देता है। यह विधायी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। ऊपर इनमें से कौन सा, कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या कोई भी नहीं? बताना है कितने कथन सही है इसमें से। 39 का, 39 में जो है, देखिए इसमें पहला गलत है। तो क्योंकि पहला गलत है इसमें और दूसरा सही है। तो देखिए, यह शब्द जो है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। जी नहीं, उल्लिखित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों सही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी कानून की संवैधानिकता तक जांच करने की अनुमति देता है। ये विधायी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर लागू होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 से 1973 के केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये है, तो यह माना गया कि संपत्ति का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने यह तय करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा कि विभिन्न मामले संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। कौन सा कथन इसमें गलत पूछ रहा है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, इस वनंद मामले में। तो देखिए, इसमें डी हो जाएगा, गलत दोनों। क्योंकि इसमें जो कहा गया था, ये माना कि संपत्ति का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। तो पहले, सबसे पहले इसमें कहा गया कि संपत्ति का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे उचित रूप संक्षिप्त किया गया, इसलिए सही। और इसमें गलत पूछ रहा है, तो दोनों सही है भाई। गलत कौन सा है? न्यायालय ने तय करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा कि विभिन्न मामले संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। बिल्कुल, तो ये है, दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए इसमें गलत पूछा, तो ऑप्शन डी पे जाएंगे। 41 है, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह धर्म और राज्य को अलग करने की कोशिश करता है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो राज्य को धार्मिक मामले में केवल सकारात्मक हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें जो हो जाएगा डी, गलत हो, मतलब पूछा है डी हो जाएगा। देखिए, पहला गलत है क्योंकि धर्म और राज्य को अलग करने की कोशिश करता है, तो राजनीतिक दर्शन नहीं है बल्कि
यह धर्म निरपेक्षता में करता है ऐसा, राजनीतिक दर्शन पर नहीं। और इसमें ऐसे प्रावधान शामिल जो राज्य को धार्मिक मामले में केवल सकारात्मक हस्तक्षेप करने का अनुमति देता, जी दोनों कथन सरासर गलत है। भारतीय संविधान के दर्शन के संबंध में निम्नतम विचार कीजिए। इसका उद्देश्य राज्य की शक्ति को सीमित करना है और ऐसे में इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामुदायिक अधिकार दोनों को सुनिश्चित करते हैं और पश्चिम उदारवादी विचारधाराओं से प्रभावित था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तभी तीनों, है कोई भी नहीं। इसमें हो जाएगा सी, तीनों के तीनों कथन सही है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैद्धांतिक दूरी का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है जिन्हें कभी कभी भारतीय संविधान की चर्चा में देखा जाता है? तो बिना किसी अपवाद के धर्म और राज्य का सख्त अलगाव करता है, एक ऐसी नीति जिसमें राज्य बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों का समान रूप से समर्थन करता है, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने या उससे दूर रहने की राज्य की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। ये जो आंसर हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यह है स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने या उससे दूर रहने की राज्य की क्षमता। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान सभी संशोधन केवल संसद में शुरू किए जाते हैं, और इसमें है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है, तो ये नहीं है। सभी विधेयक की तरह राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए किया जाता है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति के पास इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, उसकी भूमिका बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन केवल एक सही है। भारत में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालयों के रिट संबंधी न्यायिक अधिकारों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय के अधिकार अधिक विस्तृत है। भारत के उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक अधिकार मौलिक परंतु अनन्य नहीं है। जिला अदालतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मामलों की सुनवाई कर सकती हैं, ऊपर इसमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसमें बी सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का रिट जो है संबंधी न्यायिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक है परंतु अनन्य नहीं है। 46 है, संवैधानिक मामले पर विचार कीजिए। दो विभिन्न राज्यों के बीच विवादों पर विचार, विधायिका द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित सार्वजनिक महत्व के मामले पर विचार करना। इस परिसर से कितने मामले उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के दायरे में है? एक, दो, तीन या कोई भी नहीं। इसमें केवल एक है और वो पहला, ये दो विभिन्न राज्यों के बीच विवादों का अधिकार। बाकी दूसरा गलत है क्योंकि यह 131 में जो है तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार का उपयोग विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें जो हो जाएगा केवल दूसरा सही है। इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया था, जी नहीं। परिभाषित तो उसे बहुत कम चीजें ही की गई, जहां पर परिभाषित वाले वर्ड आएंगे गलत ही रहते हैं। भारत में प्रत्येक न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से बंधा हुआ है, या केवल उच्चतम न्यायालय को स्वयं छोड़कर? उच्चतम न्यायालय के इतिहास में अब तक केवल एक न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है, तो इसमें केवल पहला सही है, किसी पर अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 49 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान संघवाद संवैधानिक रूप से असीमित प्रकृति का है, और भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। कौन सा कथन सही? एक, दो, दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। कथन एक, कथन दो, दोनों सही है, तथा कथन एक, दो, कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन दो गलत है, कथन एक सही है। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ये लास्ट क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन हम करेंगे एक टेस्ट में। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन को कानून नहीं माना जा सकता। संघ संगठन या स्वयं सेवा संस्था बनाने का अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आश्रय और आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कुल दो सही है। पहला सही है,
और इसमें दूसरा जो है दूसरा गलत है, संघ संगठन या स्वयं सेवा संस्थान के अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और आश्रय और आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। तो 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में करेंगे जो है, पार्ट टू में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का होता है इसमें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद जय भारत।